तो वो सामने लगी स्पाइडरमैन की फोटो, क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो है। हे गाइस, वेलकम टू आरजी गेमर। गाइस कैसे हो आप सब? गाइस मेरा नाम है फ्रैंकलिन और आप देख रहे हो फ्रैंकलिन के ब्लॉग। गाइस आज का ब्लॉग ज़्यादा खास है, क्योंकि गाइस मैंने जो मेरा ओल्ड वाला घर था वो मैंने बेच डाला, और गाइस मैंने एक न्यू खरीदा है घर, बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़ा और बहुत ही बड़ा स्पेस है गाइस, और उसमें सब कुछ है, हेलीपोर्ट से लेके सब कुछ मैंने सबका इंतजाम किया हुआ उस घर पे। तो गाइस आप उसे बोल सकते हो एक बहुत बड़ा बंगलो है। और गाइस ये मेरी है गोल्ड लैम्बोर्गिनी, पीछे देख रहे हो आप, मैंने पीछे नंबर प्लेट पे आरजी गेमर भी लिखवा रखा है। तो गाइस ये मेरी गोल्ड लैम्बोर्गिनी है, तो मैं इसमें बैठ जाता हूँ क्योंकि हम जाने वाले हैं अपने न्यू बंगलो पर। तो गाइस जो मैंने बंगलो खरीदा है वो बहुत महंगा है, तो वो मेरे को अराउंड पड़ा है $12 लाख का, USD पड़े। तो गाइज मैं अभी अपने गोल्ड लैम्बोर्गिनी से जा रहा हूँ अपने न्यू बंगलो पर जो हमने अभी ख़रीदा है। तो गाइज बहुत ही महंगा पड़ा मुझे, तो फिलहाल मैं मैप में लोकेशन सेट कर देता हूँ कि वो बंगलो मेरा कहाँ पर है। तो गाइज ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आई थिंक यहीं कहीं है, इस वाले रूट पर हमने ख़रीदा, क्योंकि गाइज अभी ना मेरा न्यू बंगलो, तो मैं मेरे को रास्ते का थोड़ा पता नहीं है कि कहाँ पर है। तो गाइस शायद ना यहीं कहीं है, इस वाले रोड पर है जो मैंने ख़रीदा है, क्योंकि मैं ना एक दो बार ही गया हूँ, एक बार देखने गया था और एक बार शायद पेमेंट करने गया था वहाँ कहीं, तो उधर ही मतलब बंगलों पर ही पेमेंट हुई थी। तो गाइस मैंने मैप में लोकेशन सेट कर दिया है। तो गाइस बस अब हम जा रहे हैं अपने गोल्ड लैम्बोर्गिनी से अपने न्यू बंगलों पर। बहुत ही मस्त बंगला है गाइस, तो पूरी मस्त घर, इतना मस्त घर खरीदा गाइस मैंने, आपको मैं पूरा दिखाने वाला हूँ उसका बाथरूम से लेके सब कुछ। तो $12 लाख लगे हैं गाइस, तब जाके ये घर मुझे मिला है। और गाइस मैंने इसमें सारे सब कुछ सबका इंतजाम किया है, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी हो रही थी उस घर पर, क्योंकि ना आधी चीज़ तो उसमें थी नहीं, तो वहाँ पर जो था गैराज वो भी ठीक नहीं था, मतलब सिर्फ उसमें गाड़ी ही खड़ी कर सकते थे। तो मैंने इस गैराज में कुछ और भी इंतजाम किए हुए हैं, और मैंने सब कुछ देख दाग के ही ये वाला घर लिया है। तो गाइज फिलहाल चलो मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने न्यू घर पर। तो फ्रैंकलिन जा रहा है अपने न्यू घर, जो कि उसे पड़ा है बहुत ही महंगा, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि गाइज आप सोच रहे हो कि इतने पैसे मैं लेके कैसे आया। तो गाइज बात ये हुई थी कि मेरे को अभी एक मिशन मिला था कम्प्लीट करने को, तो गाइज मैंने वो मिशन कम्प्लीट किया और मुझे बहुत हद तक बहुत ज़्यादा इनकम हुई उस मिशन से, तो कुछ पैसे मिला के मैंने वो बंगलो ख़रीदा है। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने न्यू बंगलो पर। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस भूलना मत, और वीडियो को लाइक, और रिक्वेस्ट है आपसे, और मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा गाइस। और अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, आगे देखो होता है क्या। तो गाइस बस हम जा रहे हैं फुल तेज़ जा रहा हूँ गाइस, फुल स्पीड में, तो 150 तो जा रही है इसकी स्पीड। ओ शिट, अरे यार एक 20 सड़क पर किसी ने रख दिया, चलो अच्छा हुआ रख दिया। तो गाइज टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो एक गोल्ड लैम्बोर्गिनी है प्योर बुलेट प्रूफ है, तो इसे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो बस गाइज जल्दी हम पहुंच जाएंगे, हट जाओ भाई। गाइज आपको मेरी एक गोल्ड लैम्बोर्गिनी कैसे लगी नीचे उतरने कमेंट बॉक्स में, और बस हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे अपने न्यू बंगलो पर। अब मैं फुल स्पीड करने वाला हूँ इस कार की, ये और मैं को लगा कि यहीं से मुड़ना है, इसलिए मैंने ब्रेक मारा, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। ये हट जाओ भाई, ओ 190 स्पीड पहुँच चुकी गाइस, इसकी टॉप स्पीड 195। बस हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे 196। मजा ले, अड़ जाओ यार गाइस, थोड़ा सा दूर हो गया ना, कोई नहीं हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो गाइस मैं दिखाऊंगा बहुत ही मस्त बंगला यार। ओ शिट 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 शिट, कुछ ज़्यादा स्पीड थी लेकिन बच गया, हमारा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसे भी हमें कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी प्योर गोल्ड लैम्बोर्गिनी जो है वो प्योर बुलेट प्रूफ है। शिट, ओ बच गया, अरे हट जा मेरा भाई। तो गाइज बस हमें आगे से लेफ्ट लेना है और हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे इस वाले रोड पर जाने में, हट जाओ भाई। टैने ने 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 ने।
गाइस बहुत ही मस्त बंगला है यार, मैं आपको दिखाऊंगा। और हेलीपोर्ट भी है वहाँ पे, और हेलीकॉप्टर भी एक है हमें मिला है बंगलों के साथ। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो 12 लाख डॉलर का है गाइस, आप इंडियन रुपीस में देख लो कन्वर्ट करके कितना होगा, बहुत ज़्यादा है। तो गाइस देखो, ओ शिट 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 गाइस देखो, वो जो सामने दिख रही है, वो सामने वाला जो है वो हमारा पूरा बंगलो है, बहुत बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, मैं अभी रॉन्ग साइड ले लिया था क्योंकि गाइस मेरे को थोड़ा रोड का यहाँ का पता नहीं है। तो गाइस मेरी गोल्ड लंबोर्गिनी कैसी लग रही है आपको, नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। तो गाइस ये देखो, ये यहाँ से मेरा घर स्टार्ट होता है। तो गाइस आधी ये तो मतलब ज़मीन पर है, और आधी मैंने इसको हवा में बनी हुई है। भाई रुक जाओ, पहले मेरे को जान दो। तो गाइस यहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो गाइस बस ये गेट ओपन हुआ, और गाइस ये देखो, ये है मेरा घर। तो अभी हम अपने घर के बाहर ही खड़े हैं, तो हम चलते अंदर। तो गाइस देखो, ये है मेरा गैराज, और गैराज ओपन हुआ और मैं इसके अंदर। तो मैं पहले अपनी यहाँ पे गोल्ड लैम्बोर्गिनी पार्क कर देता हूँ, वरना चोरी वोरी ना हो जाए, क्योंकि अभी न्यू प्लेस है मेरा, तो न्यू घर है, तो यहाँ मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है कि यहाँ के आस पड़ोस के लोग कैसे हैं। तो मैं अपनी कार से उतरता हूँ बाहर। तो गाइज मैंने अपनी गोल्ड लैम्बोर्गिनी कर दी है अपने गैराज पे पार्क। और गाइज जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो ओल्ड वाला था गैराज, तो वो इससे ज़्यादा अच्छा नहीं था, बेकार था, क्योंकि गाइज मैंने इस वाले गैराज पे देखो, मैंने आगे कुछ ना टूल भी रखे हैं, जो मुझे कभी छोटे मोटे काम हो तो मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि ना मुझे बार बार वहाँ लेके जाना पड़ता था शॉप पर, सर्विस सेंटर। तो गाइज ये है मेरा एक ब्लैक कलर का गेट, जो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो गाइज ये एक्चुअली मेरे सीधा घर पर खुलता है, तो क्योंकि जो मेरा ओल्ड वाला गैराज था उस पर भी ये गेट नहीं था, क्योंकि उस पर सिर्फ सिंगल गेट था, ये मेन गेट, तो इस पर दो गेट है, मेन गेट और ये वाला छोटा गेट। तो इससे मैं सीधा अपने घर पर जा सकता हूँ छोटे गेट से। तो गाइज मैं आप चलता हूँ बाहर अपने गैराज के, मैं आपको पूरा इसका देने वाला हूँ अपना घर का टूर। तो ये है मेरे घर का, मैं आपको पूरा टूर दिखाने वाला हूँ गाइज। तो ये मैंने अपनी गाड़ी लगा दी है, और गाइज देखो ये मेरा है घर का मेन गेट, और मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा। तो गाइज मैंने गेट खोला, तो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा घर। और गाइज ये वाला गेट वही है जो अंदर से, जो मेरा गैराज था वो ब्लैक गेट था, तो मेरा गैराज यही है। तो गाइज देखो, ये मेरी कार खड़ी हुई है यहाँ पे, तो इसी तो मैंने इसलिए ये गेट बनाया है, क्योंकि मुझे ना जल्दी जल्दी फटाफट मतलब बाहर घूम के ना आऊँ, तो मैं यहीं से अंदर आ सकूँ और फटाफट गाड़ी पे बैठ सकूँ, और स्टार्ट कर कहीं जाना हो तो जा सकता हूँ। तो गाइज यहाँ से अब देखो, ये मेरा सोफ़ा, और गाइज ये देखो, ये मैंने फ्रेम लगवा रखा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गाइज मैंने इसकी ना मूवी देखी थी, तो ये एक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए इसका फ्रेम लगवा दिया यहाँ पे। और गाइज ये है सीढ़ी, तो यहाँ से हम जाएंगे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना बेडरूम, 1 मिनट, बहुत ही अच्छा है, फिर मैं आपको उसके बाद कुछ और दिखाऊँगा। तो गाइज ये भी मेरा एक छोटा सा है, मतलब जहाँ मैं चेयर लगा रखी, जहाँ मैं आराम कर सकता हूँ। और ये मेरे यहाँ पे कुछ सोफ़े हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल टाइप का, यहाँ मैं बाहर का व्यू देख सकता हूँ। और गाइज ये है मेरा एक, जैसे कोई मेरे फ्रेंड व्रेंड आ जाए, तो ये मेरा है गेस्ट रूम। तो यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, तो वो सामने लगी स्पाइडरमैन की फ़ोटो, क्योंकि मेरा फेवरेट हीरो है, तो इसलिए मैंने लगा रखी है। और गाइज ये है गेस्ट रूम, तो यहाँ पे ये बेड है गेस्ट का, और ये छोटा सा अलमीरा टाइप, और ये चेयर, और ये कुछ सोफ़े। तो गाइज ये था हमारा गेस्ट रूम, जो हम कोई मेरे दोस्त यार आ जाए तो उनको यहाँ मैं रख सकता हूँ, दे सकता हूँ ये वाला रूम। और अब यहाँ पे हमारा बेडरूम स्टार्ट हो रहा है गाइज, 1 मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ अपना बेडरूम। तो गाइज ये है हमारा बेडरूम, ये रहा, हाँ। तो गाइज ये है हमारा बेड, और जहाँ हम सो सकते हैं आराम से, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा बना रखा है। और मैं आपको और दिखाता हूँ गाइज, ये है हमारा टब, यहाँ हम नहा सकते हैं घर पर ही। और ये मेरा है कवर्ड, जहाँ मैं अपने कपड़े रखता हूँ, कपड़े चेंज कर लूँ, शूज़ वूज सब कुछ ही मेरे रहते हैं यहीं पर। और गाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाथरूम अपना, तो मेरा बाथरूम इधर है।
तो गाइस देखो मेरा बाथरूम, तो ये है मेरा बाथरूम। तो कैसा लगा मेरा बाथरूम? मैंने बहुत पैसे खर्च किया अपने बाथरूम पर। तो ये कुछ सोप पड़े हुए हैं और ये आपने कुछ फिल्मों में देखे होंगे इस टाइप के बाथरूम। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे किस किस टाइप की फिल्म है वो। तो ये है मेरा बाथरूम। तो कैसा लगा? तो मैंने यहाँ पे साफ वाफ सब कुछ लगा रखा है। तो मेरे को वो शौक था इस टाइप का बाथरूम का, तो मैंने सब कुछ सेम उस टाइप के ही बनवा रखे हैं। तो टॉवल वॉवल सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यहाँ से चलता हूँ बाहर। तो गाइज़ ये आपने मेरा बेडरूम देख लिया, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने बेडरूम का, जो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे मेरा बेडरूम है। और मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। तो गाइज़ ये देखो, ये है बाहर का व्यू। तो गाइज़ आपने बहुत अच्छे से देखा, तो ये है हमारा सब कुछ। यहाँ मैंने कुछ सोफ़ा लगवा रखा है, तो यहाँ पे हम धूप सेक सकते हैं आराम से, विटामिन डी का आनंद उठा सकते हैं आराम से। और गाइज अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं अपने, और यहाँ पे भी मैंने छोटा सा एक बेड लगा रखा है। तो यहाँ हम ऑयलिंग वॉलिंग करके अपना बॉडी सेक सकते हैं, धूप में विटामिन डी ले सकते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट फ्लोर, जो मेरा जहाँ मेरा बेडरूम है उसका ये बालकनी है। तो मैं यहाँ पे आके, मतलब बहुत बड़ा बालकनी है फ़िलहाल तो, और ये मेरा बेडरूम था। तो गाइज हम चलते हैं दोबारा अंदर, मैं आपको ले चलता हूँ नीचे, और मैं आपको फिर दिखाने वाला हूँ नीचे का व्यू, मेरे किचन कैसे हैं सब कुछ। तो बस ये मैं अपने बेडरूम से बाहर निकल गया, और मैं अब चला सीढ़ी जो से नीचे। तो गाइज मेरा जो वो ओल्ड वाला घर था, वो मैंने मेरा जो उसमें बेडरूम था वो था नीचे अंडरग्राउंड है ना, तो वो मेरे को ना बहुत बेकार लगा। तो मैंने इसलिए फर्स्ट फ्लोर पर अपना बेडरूम बनाया, क्योंकि मैंने सामने होनी चाहिए बालकनी यार, तब मज़ा आता है। तो गाइज अभी हम नीचे उतर चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको, ये मेरा मेन गेट था जहाँ से मुझे एंट्री हुई थी, तो मैं बस आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से एंट्रेंस होंगे। तो गाइज़ ये है मेरा, देखो ये मैंने यहाँ पे छोटा सा एक कैबिन टाइप का बना रखा है, जो कोई अननोन बंदा जाए तो मैं यहाँ पर मीटिंग कर सकूँ, ठीक है गाइज। और ये है एक गेट, तो यहाँ से हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ सोफे लगवा रखे हैं, और यहाँ कुछ फ्रेम व्रेम पेंटिंग कर रखे हैं। तो मेरे को ना मतलब बहुत ज़्यादा शौक है फ्रेम व्रेम लगाने का, तो मुझे कभी सॉन्ग वोंग सुनने होते तो मैं यहीं आ जाता हूँ, क्योंकि ये मेरी मतलब थोड़ा फेवरेट जगह है जहाँ मैं गाने सुन के अपने आप को आराम देता हूँ। तो मैं यहीं अपने गाने सुनता हूँ और यहीं पे मैं आराम कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैं चलता हूँ बाहर, ये वाला आपने रूम मेरा देख लिया, ठीक है गाइज़। तो अभी मैं यहाँ से अंदर चलते हैं, और मैं आपको और कुछ दिखाने वाला हूँ। तो गाइज़ ये है मेरा किचन, देखो तो ये मेरा किचन है। तो ये मेरे गैस वे सब कुछ मतलब, और मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के दो मशीन भी लगवा रखी है, तो मैं यहाँ पेमेंट करके भी यहाँ से कोल्ड ड्रिंक पी सकता हूँ कुछ भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा एक, और ये मेरा है डाइनिंग टेबल, जहाँ मेरा किचन के सामने ही है। तो फुल मिरर वाला है डाइनिंग टेबल, तो बहुत ही अच्छा है। मैंने, मेरे को ना ऐसे ही चाहिए था जो जो कि पूरा हो मिरर। और गाइज ये तो मेरा आपने देख लिया किचन, और मैं आपको थोड़ा सा और अंदर ले चलता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा सारी बाहर की चीज़ें कि मेरा बाहर स्विमिंग पूल कैसा है क्या है। तो गाइज़ ये भी मैंने यहाँ पे छोटा सा कैब, मतलब आप ऑफिस टाइप बोल सकते हो, मतलब मैं यहाँ पे मैं अपनी मीटिंग कर सकता हूँ, मैं दोस्तों यार से बात कर सकता हूँ। तो कुछ ज़्यादा खास काम नहीं किया मैंने, और मैं यहाँ बैठ के ना यहाँ देख सकता हूँ टीवी। यहाँ पे मैंने एक टीवी LED लगवा रखा है, अभी लगवाया नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना है, बस ये चीज़ इंस्टॉल करनी है, सब कुछ इंस्टॉल है। और गाइज मैं यहाँ से लेके चलता हूँ आपको बाहर, और ये विंडो से मैं बाहर जाता हूँ गाइज, क्योंकि ना मैंने ये घर, मतलब ये घर इसलिए मुझे पसंद आया क्योंकि ना हर रूम में से, मतलब हर रूम में से एक गेट निकला हुआ है जिससे मैं बाहर आ सकता हूँ। तो मैं यहाँ अपने गार्डन पर आ चुका हूँ, और गाइज ये देखो, ये मेरा स्विमिंग पूल, तो ज़्यादा बड़ा ही है और बहुत बड़ा है। और मैंने यहाँ पर मतलब बहुत, मैंने ना बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लगवाए गाइज, क्योंकि ना पेड़ बहुत पसंद है मेरे को, जहाँ पे मतलब प्योर ऑक्सीजन, मतलब सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। और गाइज ये है मेरा बड़ा स्विमिंग पूल, जहाँ आप देख सकते हो कि उधर भी एक छोटा सा है, बड़ा से इधर भी है। तो गाइज ये आपने देखा मेरा स्विमिंग पूल, मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। तो गाइज ये देखो, मैंने यहाँ भी कुछ सोफे लगा रखे हैं, तो यहाँ भी हम धूप सेक सकते हैं, बहुत बड़ा घर है यार, इतना सारा स्पेस हम करते क्या, तो हमने हर जगह सोफे लगवा दिए ज़्यादातर।
और गाइस बहुत ही बड़ा घर है, मेरे को तो बहुत ही पसंद आया। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको अभी अपने घर का 50% व्यू तो दिखा दिया, मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये यहाँ से हम चलते नीचे, मैं आपको इसका दिखाता हूँ क्लोज व्यू। और गाइस ये देखो, ये मैंने यहाँ पे एक दूरबीन टाइप का कुछ लगवा रखा है, तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से हम ना व्यू देख सकते हैं बहुत अच्छा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो देख रहे हो गाइस, मतलब बहुत अच्छा अच्छा व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, पूरा रोड का व्यू, कौन कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ये मेरे, अगर मुझे कोई अगला मिशन मिलता तो मैं यहाँ से बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकता हूँ, तो हर जगह देख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल कराया जो मेरे घर पे पड़ा हुआ था ओल्ड वाले। तो गाइज देखो, मैंने अपना मतलब पूरे घर को ना एक ना पेड़ पौधे से ना हरा भरा किया हुआ है, क्योंकि गाइज मुझे ना मतलब पेड़ पौधे बहुत पसंद है। तो गाइज यहाँ पर भी मैंने कुछ कुर्सियाँ टाइप की लगा रखी है, क्योंकि ना गाइज कभी कभी मुझे ना पार्टी करने का मन करता है, तो यहाँ हम पार्टी कर सकते हैं। तो ये मतलब यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं दोस्त यार से। तो ये मेरा स्विमिंग पूल का रास्ता है, जो हम यहाँ से सीढ़ी से जा सकते हैं। और गाइज देखो यहाँ का व्यू, मैं आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो, मतलब इस कितने बड़े एरिया में मतलब किसी का घर नहीं है, सिर्फ हमारा घर है। क्योंकि यहाँ मतलब बहुत महंगी, तो यहाँ पर बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ है, तो कोई ले नहीं पाता, तो हमने यहाँ बहुत मुश्किल से ख़रीदा है क्योंकि बहुत महंगी है। तो ये मेरा गिटार जो वहाँ पड़ा हुआ था ओल्ड वाले घर पर, तो मैंने पूरा हरा भरा कर रखा है अपने घर को। तो ये है गाइज मेरा बंगलो, तो बहुत ही महंगा है। ठीक है गाइज, और मैं आपको इसके ऊपर ले चलता हूँ सीढ़ियों पे, मैं आपको दिखाता हूँ पूरे मतलब स्टाइलिश सीढ़ी लगवा रखेंगे गाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करा है इसमें, कोई सोचने की बात नहीं है यार, इतने पैसे तो आते रहते हैं, क्या दिक्कत है। तो गाइज यहाँ हम गेम खेल सकते हो, मैं आपको अपना प्ले ग्राउंड नहीं बोल सकते, आप उसे गेम खेल सकते हैं यहाँ। और गाइज मैंने यहाँ पे भी एक छोटा सा डाइनिंग टेबल लगवा रखा है, देखो फुल्ली मिरर है ये भी, तो यहाँ भी हम कभी पार्टी करेंगे आने वाले वक्त में। और गाइज ये देखो, मैं आपका दिखाता हूँ, ये मेरा जहाँ मैं अपना बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे पूरा एक बास्केटबॉल का वो बना हुआ रखा है, ग्राउंड टाइप का, तो मैं यहाँ खेलता हूँ, खेलूँगा रात में कभी। तो मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, और गाइज मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ अपना हेलीपोर्ट, जहाँ पर मेरा एक हेलीकॉप्टर पहले से ही खड़ा होगा, वहाँ पे पार्क होगी। तो गाइज ये है मेरा हेलीपोर्ट, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर पार्क हो सकता है एक टाइम पे। तो गाइज ये है मेरा हेलीकॉप्टर, देखो गाइज कितना मस्त है ना। तो गाइज मैं आपको, अब आपने मेरे पूरा घर का व्यू देख लिया, अब मैं आपको इसका ना ऊपर से दिखाता हूँ व्यू। तो फिलहाल मैं अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाता हूँ। तो गाइज अभी जो मेरा फ्रेंड है माइकल, उसने ना अपने घर पर हेलीपोर्ट बनवाया है, तो उसको कुछ ज़्यादा खर्चा आ गया, क्योंकि ना उसके घर पर पहले से हेलीपोर्ट नहीं था। तो मैंने ऐसा घर खरीदा जहाँ पर मैं मेरे पास पहले से हेलीपोर्ट मिला और एक हेलीकॉप्टर भी। तो गाइज देख रहे हो, तो गाइज वो देखो मेरा एक छोटा सा वहाँ पर जिम भी है। तो मैं फिलहाल हेलीकॉप्टर उड़ाता हूँ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा व्यू अपना ऊपर से, 1 मिनट गाइज। तो गाइज ये मेरा हेलीकॉप्टर उड़ गया, और गाइज ये देखो, ये मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ ऊपर से। यस 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 यस। तो गाइस देख रहे हो कितना बड़ा घर है मेरा, और दूर दूर तक किसी का घर नहीं है, सिर्फ ये मेरा घर है, बहुत बड़ा घर है। तो गाइस मेरा घर आपको कैसा लगा, मेरा बंगलो कैसा लगा, नीचे उतरना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस यार, और मैं इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। तो गाइस फिलहाल कैसा लगा मेरा घर आप बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और ये मेरा ऊपर से व्यू है मेरे घर का। ठीक है गाइस, तो ये मेरा फ्रैंकलिन का न्यू घर। तो और मैं आपको इस हेलीकॉप्टर का एक बार अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि अंदर का व्यू कैसा है। और मैं तो गाइस ये देखो, ये इसके सारे के मीटर वीटर हैं, और पीछे मतलब ये ना पूरी फैमिली हेलीकॉप्टर है, मतलब बैठ सकते हो, बहुत सारे बंदे आ सकते हैं इसमें। ठीक है गाइस, तो आपको दिखाने वाला हूँ, अब देखो गाइस वो रहा मेरा घर। तो मैं अभी अपने घर के सामने ले चलता हूँ आपको, 1 मिनट। तो गाइस कैसा लगा मेरा पूरा घर, देख रहे हो गाइस कितना मतलब कितना बड़ा सा लग रहा है ना, बहुत बड़ा घर बनवाया मैंने इस बार, बहुत पैसे लगा दिए यार, $12 लाख का है, देखो गाइस। और गाइस ये पूरा गोल्डन हेलीकॉप्टर भी,
तो गाइस फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और आप मेरा घर का पूरा आपने देख लिया, मैंने पूरा व्यू दिखाया आपको, तो वो रहा मेरा घर। तो गाइस वीडियो कैसे लगी नीचे बताना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर बनता है यार गाइस प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना, और मैं आपको मिलता हूँ इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ गाइस। और गाइस तो वो रहा मेरा घर, ओके गाइस बाय बाय।